हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, शुभ प्रभात। स्वागत, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। मेरा नाम है दीपा नेगी, मेरे गांव का नाम है शारकना, जैसे मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और मेरी प्योगी नई ब्लॉग की शुरुआत, नई ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 5 बजे से। और अभी पी रही हूँ मैं चाय। अभी ना बाहर अंधेरा है, पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको। अब मैं ना चाय पी रही हूँ अभी। सबसे पहले ना मैं उधर से अपने सास ससुर जी को दे देती हूँ चाय, उसके बाद पीती हूँ। सुबह सुबह ना हम सब ब्लैक टी पीते हैं। मैंने बना दी काली चाय, अरे ले जाती हूँ अब सीधा उधर। ये पति के लिए, सास के लिए, ससुर जी के लिए ले जाती हूँ अभी उधर। जी जी जी, चाय पिया लिया हाँ, क्या पीना चाय? मेरे ससुर जी पी रहे हैं चाय, बाकी सासू जी तो मना कर रही है भाई। उधर साइड ना सासू जी ना ससुर जी को मुँह हाथ धुला रही हैं। चले दोस्तों, अब जंगल जाने की तैयारी करती हूँ। अभी जाना है मैंने घास के लिए, और आज बकरियों के साथ जा रहे हैं हजबेंड, तो आज खुद ही जा रहे हैं बकरियों के साथ। तो मैं भी, मेरी भी हो गई तैयारी घास के लिए, तो अब जाती हूँ सीधा घास के लिए। तो हम आप ऊँचे जंगल अया से निकाल रहे हैं हम घास, इधर ऊपर से ये हरा हरा वाला घास। और अभी मेरे साथ और भी सहेली आई मेरी, कुछ उधर साइड चले गए, कुछ इधर है। दीदी जी थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले मैं ना घास निकाल देती हूँ फटाफट करके। तो मैंने भी निकाल दिया घास, ये रहा मेरा घास यहाँ पर, यहाँ रखा है मैंने अपना घास। ये देखिए ये यहाँ पर है घास रखा मैंने पुली बनाकर, और कुछ इधर साइड भी है। और इतना ही ले जाऊँगी मैं, क्योंकि कच्चा घास ना बरसात के टाइम पर बहुत ज़्यादा भारी होता है, तो इतना ही ले जाऊँगी मैं। तो अब चलते हैं घर। फाइनली दोस्तों, मैं भी पहुंच चुकी हूँ घर में। इतनी तेज़ धूप है, घास भी ना बहुत ज़्यादा भारी हो गया आज घास। और मैंने वहाँ पर डाल दी अपनी घास की भारी, देखिए। अब मेरे हस्बैंड ससुर जी को नहला रहे हैं। और मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी। सबसे पहले ना खाना बना लेते हैं। तो हमने ना खाना खुना भी खा लिया है, और इतनी कड़क वाली आजकल लगातार ही भयंकर वाली धूप हो रही, बारिश की एक भी बूंद नहीं है। और आजकल ना हमारे गांव में ओड़ू सुखाने की बारी आ गई है। देखिए हरी घास को सुखाने लग गए हम भैंस के लिए, देखिए। और अब ये घास ना सर्दियों में भैंस के काम आएगी, और कड़क वाली तेज धूप है, इसलिए हमने ना आज घास को सुखाने के लिए डाल रखा है। तो दोस्तों, ये बिल्ली ना दूध की टीपस लगा रही है मेरे से, मुझे बस दूध देगी। अब दूध तो हमारे घर में है नहीं, हमारी भैंस का तो अब होने वाला है बच्चा 1-2 दिन में, फिर दूध देगी। अभी हमारी ना पास दूध नहीं है, तो दूध की टीपस लगा रही है मेरे को। ये हमारे पड़ोसियों की बिल्ली है, नीचे वालों की है ना। तारा है, तारा ये देखो,
बोले लो बोल दूध टीपस लोनी दूध टीपस ना चल। तो मैं जा रही हूँ नीचे दुकान पे राखी खरीदने के लिए। अभी अमोनी भी आ रही है पीछे से, तो खिलौनी टॉफी बिस्कुट आओ जैसी तो चले जी, मैं भी ला चुकी हूँ दुकान से राखियाँ। यार हमारे गांव में ना एक ही दुकान है यहाँ पर, और मतलब बहुत कम ही सामान रहता है, और राखी भी वहाँ पर बहुत कम ही थी, तो मैंने ये वाली ली। राखी तो एक प्रेम का धागा होता है, चाहे वो 100 रुपये की हो चाहे 10 रुपये की हो, तो वहाँ पर यही राखियाँ थी, तो मैंने यही ले ली अपने भाई के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलूँगी आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं, हमने भी निकाल दी अपनी भैंस के बाद, उधर ससुर जी पी रही चाय। तो दोस्तों शाम के 7 बज चुकी है, और मोनी ना जा रही है अभी मंदिर में लाइट जलाने के लिए, और मैं भी अभी साग सब्जी की तैयारी करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मैं दीपनगी मिलती हूँ आपको अभी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड, बाय बाय।